नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजय राणा। आज का हमारा टॉपिक है एग। आज हम देखेंगे एग क्या होता है और टाइप ऑफ एग, एग कितने टाइप के होते हैं, अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो एग की फॉर्मेशन होती है, जिससे फर्टिलाइज एग कहते हैं, जिसे फर्टिलाइज एग कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जायगोट। उसे ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइज एग कहते हैं। ठीक, जैसे आप हैन में देखते हैं, हैन कॉपुलेशन के बिना एग लेइंग करती है। जो मुर्गी होती हैं नॉर्मली बिना कॉपुलेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के भी एग देती हैं। देखते हैं आगे, जो एग बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, विदाउट कॉपुलेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो एग बनता है उसे अनफर्टिलाइज एग कहते हैं। अनफर्टिलाइज एग वो होते हैं जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनते और कॉपुलेशन की प्रोसेस इसमें नहीं होती। अनफर्टिलाइज एग से कभी भी कोई भी चिकन या चूजे या कोई बेबी नहीं निकलता। ठीक, आगे देखते हैं। तथा जब एग फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसे फर्टिलाइज एग कहते हैं। जो जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है और एग और ओवम के फ्यूजन से जायगोट बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइज एग कहते हैं। इसमें क्या निकलते हैं, चिकन, जो चूजे होते हैं मुर्गी के, वो निकलते हैं। इसी के बेस पर कहते हैं कि जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं उन्हें शाकाहारी में की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उनसे कोई भी बेबी या चिकन नहीं निकलते, और जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो मांसाहारी की श्रेणी में रखे जाते हैं सीरीज में। बट ऐसा कुछ नहीं है, जो एग है वो एग है। ठीक, आगे चलते हैं। हैन के एग में योक का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने जो पीला वाला हिस्सा देखा होगा एग का, वही क्या होता है, योक होता है, जो इम्ब्रियो को क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जब एक एग में इम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, तो उसे कंप्लीटली न्यूट्रिशन किससे मिलता है, योक से मिलता है। उसी के बेस पर योक का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है। और जो वर्ड या हैन होती है उसके हैन को पॉलीलिसिथल एग कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। तथा योक के चारों तरफ वाटरी एल्बुमिन की लेयर होती है। जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा बीच में जो पीला वाला हिस्सा होता है वो उसे क्या कहते हैं, योक कहते हैं। और उसके जो चारों तरफ जेली प्रोडक्ट होते हैं, जेली फ्लूड होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। फिर एक ऊपर से सेल होता है, जैसे हार्ड होता है एग ऊपर से, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, आगे देखते हैं। वाटरी एल्बुमिन की लेयर होती है, पूरा एग एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की सेल से कवर्ड होता है। जब एग में क्लीवेज के बाद इम्ब्रियो बनता है तो फोर इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन होती है। जब जाइगोट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उसमें अगली प्रोसेस क्लीवेज की होती है। क्लीवेज के बाद क्या बनते हैं, इम्ब्रियो बनता है, जिसमें जो इम्ब्रियो है उसके ऑर्गन्स बन जाते हैं। ठीक, उसी के साथ साथ उसमें फोर इम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। सबसे पहली मेम्ब्रेन बनती है कोरियोन, और नंबर दूसरी है एमियोन, और नंबर तीसरी एलेंटस और योक सैक, जिसमें इन मेम्ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। जैसे कोरियोन का होता है रेस्पिरेशन, एमियोन का होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इम्ब्रियो के लिए, ठीक, एलेंटस का एक्सक्रीशन, जो भी वेस्टेज बनेंगे इम्ब्रियो में वो एलेंटस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होंगे, आउटसाइड रिलीज होंगे, और योक न्यूट्रिशन। ठीक, यह है हैन का एग का डायग्राम, और इसमें आप देख सकते हैं योक, और जो जर्म डिस्क है वही क्या है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या होगा, क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होगी यहीं से। ठीक, ये डायग्राम है। अगला हेडिंग देखते हैं, विटेलोजेनेसिस। देखते हैं क्या होते हैं, योक के फॉर्मेशन तथा डिपोजिशन को विटेलोजेनेसिस कहते हैं।
योक की फॉर्मेशन, जो पीला वाला हिस्सा होता है एग का, येलो वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, योक कहते हैं। उसकी फॉर्मेशन और डिपोजिशन को क्या कहते हैं, बिटेरोजेनेसिस कहते हैं। एम्फीबिया एंड फिश में योक की फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद वो कहाँ पर पहुँचते हैं, एग में पहुँचते डिपोजिट हो जाते हैं। बट ह्यूमन के केस में योक की फॉर्मेशन लीवर में होती है और वहीं से डिपोजिट होकर फॉलिकुलर सेल में पहुँचते हैं। योक का कंपोजिशन, योक में ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का कंपोजिशन होता है जो इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ये इनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और जो ग्रोथ होती है इम्ब्रियो की वो न्यूट्रिशन इन्हीं से प्रोवाइड होता है, तो क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ एग। अब हमारा हेडिंग है टाइप ऑफ एग, उससे पहले देखेंगे हम कि कौन से एनिमल्स एग लेइंग करते हैं और कौन से एनिमल्स डायरेक्ट बेबी या बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। उसके बेस पर देखेंगे ये कितने टाइप के होते हैं, तो देखते हैं। इस लिविंग बर्ड में 3 टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है ओविपेरस एनिमल्स। ओवी का मीन्स होता है एग, पेरस का प्रोड्यूस करना या बर्थ देना, ठीक। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो एग लेइंग करते हैं या अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। आगे देखते हैं, ओविपेरस एनिमल एग लेइंग करते हैं जिनके एग लार्ज साइज के होते हैं, जिनमें योक का अमाउंट भी लार्ज होता है, योक के बेस पर एग का साइज होता है, जितना योक का लार्ज अमाउंट होगा उतना ही लार्ज एग होगा और उतना कम अमाउंट योक का होगा उतना ही छोटा एग होगा, ठीक। और योक इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि वाइल्ड रेप्टाइल एम्फीबिया की बॉडी से आउटसाइड एग रिलीज हो जाते हैं एग लेइंग की प्रोसेस के द्वारा, तो जितना भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वो योक के माध्यम से होता है। नंबर 2 देखते हैं, विविपेरस। विविपेरस का मीन्स होता है प्रोड्यूस लाइव बॉडी बेबीज, यानी कि जीवित बच्चों को जन्म देना, मतलब ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स में एग लेइंग की प्रोसेस नहीं होती क्योंकि ये डायरेक्ट बच्चों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, इसीलिए इनमें एग लेइंग की प्रोसेस नहीं होती। इनमें डायरेक्ट बेबी को बर्थ दिया जाता है, जिनमें जो इम्ब्रियो बनता है, जैसे इनमें जायगोट बना तो जायगोट के बाद क्लीवेज होगा और क्लीवेज के बाद जो इम्ब्रियो बनता है ठीक, उसे प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है, जबकि एग में योक के द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है इम्ब्रियो को। लेकिन मैमल्स की कंडीशन में प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से इम्ब्रियो को प्रोड्यूशन वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। इनमें बनने वाले एग में योक एब्सेंट होता है, जब जायगोट बनता है तो फर्टिलाइज एग होता है, लेकिन इनमें जो एग बनते हैं उनमें योक की मात्रा ना के बराबर होती है या एब्सेंट होती है, तो इस टाइप के एग को एलेसिथल एग कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा थर्ड टाइप है ओवोविविपेरस। देखते हैं क्या होते हैं, ओवो मीन्स एग और बेबी, लाइव बेबीज और पेरस प्रोड्यूस करना, ठीक है। मतलब ऐसे एनिमल्स होंगे जो एग भी देंगे और जीवित बच्चों को पैदा भी करेंगे। देखते हैं क्या होते हैं, ओविविपेरस एनिमल्स एग तो बनाते हैं बट अपने एग को अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं। इनमें इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन एग की योक से ही मिलता है, प्लेसेंटा का कोई रोल नहीं होता। एग्जाम्पल में है शार्क, स्कॉर्पियन और सम स्नेक, जैसे कुछ स्नेक होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एग तो देते हैं बट इनकी ही इन्हीं की बॉडी के अंदर इनके एग प्रेजेंट होते हैं, जब तक
एग में हैचिंग नहीं हो जाती तब तक ये बेबीज को बर्थ नहीं देते, यानी कि जन्म नहीं देते। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ एग। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग की, तो देखते हैं योग के अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर योग को फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम देखेंगे कि योग के अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, ठीक है, हम देखेंगे एग में अमाउंट कितना है योग का और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्लेस पर प्रेजेंट है योग। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, अमाउंट ऑफ योग। सबसे पहला नंबर है अमाउंट ऑफ योग, उसके बेस पर देखेंगे कितने टाइप के एग होते हैं, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर देखेंगे। फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर एक है एलेसिथल एग। ए मीन्स एब्सेंट, लेसिथल योग और एग, ऐसे एग जिनमें योग कंप्लीटली एब्सेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं, एलेसिथल एग कहते हैं। इस टाइप के एग में योग एब्सेंट होता है, एग्जाम्पल प्लेसेंटल मैमल, क्योंकि योग का यहाँ पर वर्क नहीं होता, प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से इम्ब्रियो क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर दो देखते हैं माइक्रोलेसिथल एग। माइक्रो सूक्ष्म या ना के बराबर, लेसिथल योग, ऐसे एग जिनमें योग का अमाउंट ना के बराबर होता है उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलेसिथल एग। इस टाइप के एग में योग का अमाउंट वेरी लेस होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, और जितना योग का अमाउंट होगा उसी टाइप से एग का क्या होगा, साइज होगा। अगर यहाँ पर कम है तो एग का भी साइज भी क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल में है स्टारफिश, सीअर्चिन। माइक्रोलेसिथल का आप वो डायग्राम देख लीजिए, ये है, जिसमें जगह जगह पर जो रेड पैसेज दिख रहे हैं वो क्या है, योग, और बाकी साइटोप्लाज्म, यानी कि ना के बराबर क्या होगा, योग होगा। अब हमारा थर्ड है मीजोलेसिथल एग। मीजोलेसिथल का मीन्स होता है कि न ज़्यादा न कम, यानी कि मीडियम साइज का, मीडियम साइज का क्या होगा, योग होगा, उन्हें क्या कहते हैं, मीजोलेसिथल एग कहते हैं। तो आगे देखते हैं, इस टाइप के एग में योग का अमाउंट न ज़्यादा न कम, मीडियम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसमें एग टू पोल में डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म एनिमल पोल एंड योग वेजिटल पोल। जो मीजोलेसिथल एग होंगे उनमें योग का अमाउंट न ज़्यादा होगा न कम, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म की बराबर होगा, और जिस साइड पर साइटोप्लाज्म होगा उस साइड को क्या कहेंगे, एनिमल पोल, और जिस साइड पर योग होगा उसे क्या कहेंगे, वेजिटल पोल। मीजोलेसिथल एग में इसके एग्जाम्पल में है एम्फीबिया और लंग्स फिश। ये किसमें होते हैं, एम्फीबिया में और लंग्स फिश में। अब हम देखते हैं फोर, पॉलीलेसिथल एग। पॉली मीन्स होता है मैनी, लेसिथल योग और एग, यानी कि ऐसे एग जिनमें योग का अमाउंट वेरी लार्ज क्वांटिटी में हो, मोर क्वांटिटी में हो, ठीक है। जब एग में योग की मोर क्वांटिटी प्रेजेंट होती है तो उसे पॉलीलेसिथल एग या और मैक्रोलेसिथल एग कहते हैं। इनका साइज लार्ज होता है, जितना योग का अमाउंट होगा उतना ही एग का क्या होगा, साइज होगा। एग्जाम्पल में है वर्ड रेप्टाइल, वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, क्या कौन से एग होते हैं, पॉलीलेसिथल एग होते हैं, जिसमें एग के ज़्यादातर हिस्से में योग होता है और एक डिस्क में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, अब हम देखेंगे सेकंड टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। योग का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्लेस पर एग में योग प्रेजेंट है, ठीक, इसके बेस पर देखेंगे कितने टाइप का होता है। नंबर एक होमोलेसिथल एग। होमो मीन्स हमने पहले भी पढ़ा है सेम, और लेसिथल एग यानी कि ऐसे एग होंगे जिनमें साइटोप्लाज्म और योग सेम क्वांटिटी में इक्वली होल एग में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देखते हैं तो
इसे आइसोलेसिसल एग भी कहते हैं। आइसो का मीन्स भी क्या होता है, सेम होता है। ये वेरी स्मॉल साइज के एग होते हैं क्योंकि इनमें योक की क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, इसीलिए इनका साइज भी क्या होता है, कम होता है। जिनमें योक पूरे साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में है हार्डमानिया और ईटीसी। ये माइक्रोलेटिसल एग की ही तरह होते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम ये है, इसमें आप देख सकते हैं योक पूरे साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के साथ इक्वली यानी कि बराबर ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे एग में फैला हुआ है। और नंबर सेकंड देखते हैं सेंट्रोलेसिथल एग। ऐसे एग जिनमें सेंटर पर क्या पाया जाएगा, योक प्रेजेंट होगा। देखते हैं इस टाइप के एग में, इस टाइप के एग में योक सेंटर में प्रेजेंट होता है तथा साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है इंसेक्ट, जितने भी आर्थ्रोपोड होंगे उनके एग में योक सेंटर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और साइटोप्लाज्म चारों तरफ राउंडेड राउंडेड पेरिफेरी पर क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। इसी बेस पर, एग के बेस पर क्लीवेज होगा। क्लीवेज हम इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, क्लीवेज देखेंगे। जैसे होमोलिथिसल एग है जिसमें इसमें किस टाइप से क्लीवेज होगा, और सेंट्रोलिथिसल एग है इसमें किस टाइप से क्लीवेज होगा, ये हम क्लीवेज में पढ़ेंगे। इसीलिए हम इन्हें अभी से ध्यान रखते चलें, ठीक है। अब थर्ड देखेंगे टीलोलेसिथल एग। टीलो यानी कि टर्मिनल, लेसिथल योक। ऐसे एग जिनमें योक टर्मिनल साइट पर क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, टीलोलेसिथल एग कहते हैं। इन्हें देखते हैं इस टाइप के एग में योक का टर्मिनल डिस्क पर डिपॉजिट होकर एक डिस्क की फॉर्मेशन करता है। यानी कि इस टाइप के जो एग हैं उनमें योक एक टर्मिनल साइट पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसमें एक डिस्क की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इसलिए इसे डिस्कोलेसिथल एग भी कहते हैं। ये मीजोलेसिथल एग की तरह होते हैं जो एम्फीबियंस एम्फीबियंस एंड फिश में होते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं टीलोलेसिथल एग। टोटल एग में क्या है, साइटोप्लाज्म में और एक डिस्क में ऊपर टर्मिनल साइट पर क्या है, योक प्रेजेंट है, ठीक है। जिससे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्लीवेज होगा। हम इसी के बेस पर पढ़ेंगे कि किस एग में किस टाइप का क्लीवेज होता है। तो इसीलिए आप ये याद रखें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो